अम्मा एक बात बताई, अब यह हमारे तुम्हार गुजारा है नहीं, तुम चलो तुम बहुत आगे चलो तुम हमारे संग आप आ जाओ। अरे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकते। पता नहीं सरदार जी कहाँ रह गए। सरदार जी जय भवानी जी। माँ भवानी साथियों, आज कोई नई ताजी खबर तो नहीं है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो आखिर में सरदार जी? सुनो साथियों, गौर से और धाकर का ऐलान, और आज साथियों चलो आज चलते हैं। और क्या कहना चाहते हो सरदार जी? बहुत कोई गमगीन नजर, बहुत दुख भरी आवाज आ रही सरदार जी, यही सामने से आ रही है आवाज। आखिर ये किसकी आवाज है? चलो पैगाम बढ़ाओ। मेरे दोस्तों, मैं इतना जख्मी हो चुका हूं, कहां जाऊंगा यार? हे भगवान, इस भरी दुनिया में कोई हमारा नहीं है। दुनिया में कितना कम है मेरा गम, कितना मैं क्या करूं? अब हमारे शरीर का जहर बढ़ता जा रहा है, अब हमारे कदम नहीं उठ रहे, अब
अब हमें मर जाना चाहिए क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया, हमारे छोटे मोटे परिवार से अलग कर दिया मेरे भगवान। ठीक है यो इसे उठाओ और इससे हम मालूम करते हैं आखिर नौजवान तुम इस मुसीबत के मारे इस जंगल में कैसे। सरदार जी इसका गोली लगी है। उठाओ से लग रहा है जख्मी है। और नौजवान ये तुम्हारी हालत किसने की है? भैया मुझे माफ कर दो। क्यों, ऐसी क्या बात है? भैया पैसों में बहुत गम का सताया हुआ हूं। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा भैया मुझे। आखिर तुम्हारी दास्तान क्या है, किस मुसीबत के सताए हो, किसने तुम्हें सताया है? भैया हम एक गांव में रहते हैं और उस गांव में गजब सिंह और शेर सिंह ठाकुर रहते हैं मेरे भैया। मैं एक सीधा सीधा साधा इंसान गांव में अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ शेर सिंह एक लड़की की इज्जत लूट रहा था। मैंने उसकी इज्जत बचाई। शेर सिंह अपनी दिमागी चाल से हमें फंसा दिया। कुछ दिल बंद रहा, पुलिस वालों ने रहम कर छोड़ दिया। उसके बाद हम अपनी शादी कर ली। शादी करने के बाद अपने दिन गुजारने लगे। उसके बाद एक रेखा नाम की लड़की, उन लोगों ने उसको मार दिया। और साहब बाबूजी मुझको फंसा दिया और हमारे बीबी की बाबूजी इज्जत खतरे में। घबराओ नहीं नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? भैया नाम गंगा। भैया नाम गंगा हमारा। भैया सच बताता हूं तुमसे, गंगा बताया। गंगा तुम उस शेर सिंह के सताए हुए हो। हाँ भैया, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना है, मैं भी उसी का शिकार बना हुआ हूँ। उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया, हमारी सारी जायदाद शराब पिला करके अपने नाम करवा ली और उसने मेरे ऊपर बहुत ही जुल्म सितम ढाए हैं। कई बार मुझे पुलिस के हाथों जाना पड़ा। अच्छा, आज मुझे मालूम हुआ कि वो शराब ज्यादा शेर सिंह ने तुम्हें भी सताया है। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। चलो आज के बाद अपना भेष बदल डालो, उतर चल बिहारों में। ये ले माँ भवानी और सौगंध खा,
कि मैं आपके दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाऊंगा, जब तक उस शरामजादे शेर सिंह का खून नहीं पी लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं लूंगा। ठीक है मेरे भैया, अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो हम से आपके ग्रोह में रहेंगे और कोई गद्दारी नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तुम लोगों के साथ रहेंगे मेरे भैया। लेकिन तुम अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करोगे और किसी गरीब इंसान को नहीं सताओगे। भैया इसलिए हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं, सुनो मेरी बात को। सुन रहा हूं। के संबंध कहता हूं उस भगवान की करूंगा सदा खून अपना सदा दे। चलो साथियों इसको सारे अड्डे दिखा दो और इसका लिबास बदल बदलवा दो। आज से इसका भी डाकू डाकू का भेष होना चाहिए। आओ चलते हैं भी हेलो की तरफ, पैगाम बढ़ाओ। ठीक है चलो चल। जिम्मेदार पीछे पड़ेंगे, मैं मैके में कैसे बचाऊंगी गुरु को? हो सकता है कि हराम यहाँ तक पीछा मेरा करे। माँ सुनो मेरी बात, जिस तरीके की तुम थी आज उसी तरीके की मैं हो गई। मुझे मालूम है कि गंगा खत्म हो गया, गोली मार दिया है गजब सिंह ने। सुनो मैया, आज क्या बताऊं, कुछ सोचते तो सोचे नहीं जाता है मुझसे। और मैया तुम्हें बताऊं, और मैया तुम्हें बताऊं क्या दिल पे गुजर रही।
लो, अब हमारा तुम्हारा किससे गुजारा होगा, क्योंकि अब तो हम कुछ सारा नहीं। मेरा बेटा जमना है। ठीक है, अगर भैया ये बात है तो मेरा देवर जमना है, मैं उसी के साथ में अपनी जिंदगी काट दूंगी। लेकिन ये तो पता है, एक इंसान जो मिलता है उसके बाद में ऐसा इंसान नहीं मिलता है। मैया चलो अब चला जाए घर, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। हेलो वीरी शांति का धनुपेर दोस्तों, अब कहानी किस मोड़ पे आ गई है, कहानी की तरफ ध्यान दो। हेलो हेलो। और सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जाइयो, सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जाइयो। ठीक ही, कोई बात नहीं, मैं अपने गांव के ही तरफ चलता हूं, अपने भैया से मिलूंगा जाकर और अपने भाभी से मिलूंगा जाकर वही। और तेरे दर्द से दिल लाए कुछ भूल गए, कुछ याद रहा कुछ। और बीड़ी में बीड़ी लड़ाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो। आए भाऊजी, बहुत तो मेरा तेरे बदल नजर उठती है, पहले मारी क्रीम पाउडर खाए रहती रहो, आज कल देखी सब मामला चेची से बिगड़ी गई। भैया तुमका मालूम नहीं, जब तक तुम्हारे यहाँ भैया तेरे गोली लाग गया तब तक हमारा शरीर वैसे हुई गवा। हाय कौन भोसड़ी गोली दाबी दी, गोली को मार दी, पता नहीं हम ना जाने थे, लेकिन आ चलो शंकर जी की पूजा करी चले हम। यह बात सही नहीं, बैठ गया विनती करा जाए। हाँ विनती करी चले। हाँ ठीक, कहा मालूम भोले बाबा सुनिए ले चलो। भोले बाबा, हम तुझसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, जो मैं मांगू वही देना। और मेरे भोले बाबा तुमको आना हो, आवाज है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा कर रही है, पूजा कर रहे तो उसकी बात पे बात।
फिरी बे, फिरी भैया, अरे बोलो तो कुछ। आखिर बड़े फिर बा चमना कहे गरीब भाभी भैया, ये बताओ क्या बात, तुम कैसे आ गए हो यहाँ? भैया आज काफी दिनों के बाद मैंने सोचा क्या चलकर अपने भैया और भाभी से मिल ले। जमुना मालूम होना चाहिए आज इस तरीके की मैं घूमती हूँ। क्या बात है भैया, बोलो ना मेरी बात। और बताऊ तुम्हें क्या ये देवर ये क्या तुम सुना रही? तुमने आज पूजा करते हो मुझे पकड़ लिया है मेरे बे। जमुना मेरी बात सुनो। कौन सी बात है मेरी बात? और ये भाभी सुनो ऐसा ही कल मैं दोबारा सुनाना नहीं। और तुम मेरी भाभी हो मैया तो भी तो चलो कहो मेरी बात। अब माँ के पास चलेंगे घर। ठीक है और भैया चलो चलो जमुना चलो बे चलो कहे भाई मेरी बहू का पता नहीं है, कह रही थी कि हम बहुत जल्दी माँ वापस आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आई है, कहाँ को चली गई है? भैया मैंने कहे भैया भैया क्या देख रहा है मेरी बात, तुम्हारे भी आंख में आंसू मेरी बात, मेरी भैया और भरे क्यों आंख में आंसू भैया क्यों आंख में आंसू और मेरी मैया बताओ। बेटा जमुना फिर भाई बताती हूँ कौन सी बात मेरी भैया, शादी तुम
तुम्हारे से नहीं हुई। खैर मैं भी यह चाहता हूँ मेरे भैया, मैं ये चाहता हूँ, मैं भाभी भैया से शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं बेटा, पर अब तुमको हर बात निभानी होगी, क्यों करने पड़ेगी भैया? ये बात नहीं होगी मेरी बात, जब तक मेरे अपनी भाभी माँ के जब तक नहीं हाथ लगाऊंगा, जब तक मैं अपने गंगा भाई को ढूंढ नहीं इस इलाके में लूंगा, तब तक मैं अपनी भाभी माँ के आस पास नहीं आऊंगा। लेकिन शादी एक दिन मेरी बस, एक दिन अपने भैया को अगर न ढूंढ लिया तो मेरा नाम चामुंडा नहीं है मेरी भाई। चमना जो माँ कहती वो सही कहती है। यही भाभी भाई, देखिए तो मेरे पास बैठ हो, शिखा तो हरगिज नहीं होगी। नहीं ये बात नहीं कहती हूँ, कहने का मतलब ये है खाली सिर्फ आपका सहारा मुझे चाहिए। सहारा मैं तो सहारा दूंगा मेरी भैया, मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा, हर बात करूंगा, लेकिन भैया जो तुम्हारे बहन पे कहो यहाँ से वहां बैठो तो ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गंगा जमुना, ये बात है तो तुम्हारी शर्त ये है कि भाभी मैं तुम्हारे बदन में हाथ नहीं लगाऊंगी। जी हाँ। लेकिन ठीक है ये भी मैं कहती हूँ गंगा जमुना, जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाए तब तक मैं अपने शरीर में तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सही शब्द है मेरी भाभी भैया मेरी भी। आओ मैं अपने भाई को ढूंढ कर अवश्य रहूंगा। कौन सी बात है मेरी भैया, ये क्या बना रहे हो मेरी बात? आज मैं तुम्हारी हो गई हूँ मेरी बात सुनो, लेकिन हाथ में दे दिया अपने शरीर में तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी, जब तक अपने भाई को ढूंढ कर नहीं लग चलो देर हो रही है मेरी भैया, मैं अपने भैया का आवाज पता लगा कर जब तक मैं अपने भाभी के हवाले ना कर दिया तब तक मेरा नाम चामुंडा नहीं। शांति का दादो कर दोस्तों, अब कहानी किस मोड़ पे आई है, कहानी की तरफ ध्यान दो। हेलो और सरवण मार गए सरजू की तराई मां नीरति भराई उस गंगा को लेकर आओ, अभी तक गंगा नहीं आया। सरदार जी, सरदार जी कहो अब क्या इरादा है? हमारा इरादा एक जख्मी का इरादा क्या हो सकता है सरदार जी, जानते हो? अरे हमारे दिल पे जो चोटें लगी है, जो जख्म आए हैं, वो कोई दवा या कोई मलहम से नहीं भरेंगे। जब तक
अपने अपने दुश्मनों का खात्मा मरना कर लेता हूं तब तक चाहता जिना। गंगा वो ठाकुर गजब सिंह और शेर सिंह हमारा भी तो दुश्मन है। जी हाँ, और तुम्हारा भी दुश्मन है। चलो आज उसकी हवेली पर चढ़ाई बोलते हैं। क्यों नहीं सरदार जी, चल करके उसकी हवेली की एक बार सुनो हमारी। कब तक सालो पचोगे तुझे देख सरदार जी। चलो साथियों चलाओ, आज उस साले गजब सिंह के हवेली पे चढ़ाई करेंगे, क्योंकि गिन गिन के बदला लेना है। चलो सरदार जी चलो। हेलो भाई, शांति का दान दो प्यार दोस्तों, अगले पावदान की तरफ ध्यान दो। हेलो चलो, आज मुझे मालूम हो रहा है गजब सिंह अपनी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। इतना हराम ज्यादा ठाकुर है, इतना हैरान ज्यादा ठाकुर है, वो हम और तुमको पा जाएगा, जरूर मार देगा। चला है